हेलो दोस्तों, लर्न एस्केप करेक्टर। हेलो दोस्तों, अपना आईडीएली सॉफ्टवेयर अपन ओपन करते हैं। पाइथन का ये सॉफ्टवेयर ओपन हो गया, ठीक है, और कंट्रोल एन से हम अपना न्यू प्रोफाइल ओपन कर लेंगे, नई फाइल ओपन कर लेंगे। और आज अपन पढ़ेंगे दोस्तों वेरिएबल। वेरिएबल्स क्या होते हैं दोस्तों? वेरिएबल्स का सबसे ज़्यादा यूज है, वेरिएबल्स अपने को समझना बहुत ज़रूरी है। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स क्या होता है? कोई भी वैल्यू को एक बार स्टोर जिसमें कर लेते हैं उसको वेरिएबल्स बोलते हैं। कुछ नंबर हो चाहे स्ट्रिंग हो, किसी को किसी एक नेम में, फिक्स नेम में हमने स्टोर कर लिया, उसके बाद उसको किसी भी जगह हम यूज़ ले रहे हैं तो उसको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वेरिएबल्स। वेरिएबल्स, ठीक है दोस्तों, तो हम वेरिएबल्स को समझते हैं। जैसे कि हमने कोई वेरिएबल से लिया नेम, तो नेम इक्वल्स टू 1 2 3, ये हमने वेरिएबल्स लिया है। नेम इज इक्वल टू 1 2 3, ये 1 2 3 इस नेम में, इस नेम को एज ए 1 2 3 हम यूज में ले सकते हैं। ऐसे कोई नंबर लिया, नंबर इक्वल्स टू 5, कोई हमने नंबर ले लिया, कि किसी की एज है 30, वो हमने ऐसे स्टोर कर दी, ठीक है। कुछ भी हम इसमें ले सकते हैं, ऐसे किसी कैपिटल एन एम ही ले लिया, नेम इक्वल्स टू रवि, तो किसी का नाम जो स्ट्रिंग होती है डबल इनवर्टेड कॉमा में होती है, तो हमने किसी का नाम ले लिया रवि, ठीक है, इसे स्टोर कर दिया। हम इसको मान लो प्रिंट कराते हैं, तो हमने इसको प्रिंट कराया, तो दोस्तों हम इसमें क्या है कि एक वेरिएबल और ले लेते हैं, एन एम ई नेम इक्वल्स टू डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर हरीश, ये नेम ले लिया, और हम इसको क्या प्रिंट कराते हैं दोस्तों, देखो प्रिंट, और कोष्ठक के अंदर अपन इस वेरिएबल का नाम लिख देते हैं। ये देखो दोस्तों, हमने इस वैल्यू को, इस स्ट्रिंग को इस वेरिएबल के अंदर स्टोर किया, और इस वेरिएबल को हमने प्रिंट में कोष्ठक के अंदर पुट कर दिया, और इसको हमने रन करा दिया। तो आज का इसको सेव कर लेते हैं, सेव करके रन कराएंगे इसको वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के नाम से मैंने सेव कर दिया इस प्रोग्राम को। अनएक्सपेक्टेड इंटेंट, ओके, कुछ बोल रहा है अनएक्सपेक्टेड इंटेंट, मतलब कि ये जो वेरिएबल और ये वेरिएबल एक नाम से आ रहे हैं, ये बोलना चाह रहा है, ठीक है दोस्तों। तो हम इसको प्रिंट करते हैं, पहले एक बार रन करा देते हैं। कैपिटल एन कर देते हैं। अब देखते हैं, अब क्या दिक्कत है? नेम इक्वल्स टू 1 2 3 ये पुट कर दिया, इस नेम में रवि हमने सेव कर दिया, और प्रिंट नेम कर दिया हमने। और ये नेम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ऑलरेडी है। फिर हम इसको सबको हटा देते हैं, देखते हैं क्या हो गया, इसको हम प्रिंट करते हैं। वापस हम नई फाइल ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नई फाइल ले ली,
और इसके अंदर हमने वेरिएबल्स लिए एन एम नेम इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रवि, ठीक है दोस्तों। और एक वेरिएबल लिया हमने नेम इक्वल्स टू हरीश, ये नाम लिया। और देखो दोस्तों हमने एक और लिया स्मॉल एन एम नेम इक्वल्स टू 1 2 3, और हम इसको प्रिंट कराते हैं। प्रिंट कराने के लिए इसमें हम वेरिएबल पुट कर देते हैं, नेम ये ले लिया, और हम इसको रन करा देते हैं। वेरिएबल के नाम से मैंने सेव कर दिया, ये देखो 1 2 3 पुट हो गया। अब ये देखो सेम वेरिएबल था ऊपर वाला और नीचे वाला, बट हम इसमें क्या किया, रिप्लेस हो गया। अब जो लास्ट वेरिएबल में जो वैल्यू पुट हो जाएगी वही इसमें काउंट होगी, ठीक है दोस्तों। तो ये सेम देखो नेम और ये वेरिएबल यूज़ लिया था, बट अब इसे सेम नाम के में जो वैल्यू स्टोर होगी तो वो ये केस सेंसिटिव है, ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ कैपिटल एन लगा दूंगा तो ये वाला हरीश आएगा इसके अंदर, ये देखो ये कैपिटल एन लगा दिया तो कैपिटल एन वाले वेरिएबल को ही लेगा, अभी स्मॉल एन वाले वेरिएबल को नहीं लेगा। ये सेव करके ओके करता हूँ, रन करता हूँ। अब देखो हरीश आ गया, मतलब कैपिटल एन वाला वेरिएबल ही लिया इसने, स्मॉल एन वाला नहीं लिया। और स्मॉल एन में भी अगर दो बार यूज ले लोगे, दूसरी वैल्यू स्टोर कर दोगे तो पहली वाली को ये नहीं काउंट करेगा, लास्ट वाली को काउंट करेगा। दो चीज़ आपकी ये क्लियर हो गई है। और वेरिएबल के नेम देखो दोस्तों कितने टाइप से अपन ले सकते हैं वेरिएबल के नेम। देखो एक तो जो आजकल मतलब यूज़ में आ रहा है मेन, जो है यूजर नेम 1, यूजर नेम 1, और एक दूसरा है यूजर नेम 2, थोड़ा दूसरे तरीके से। नेम 1, ये दो तरीके हो गए, एक तो हो गया स्नेक केस स्टाइल और दूसरा हो गया कैम्बल केस स्टाइल। ये इसमें हमने कोई वैल्यू स्टोर कर दी, मान लो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इसमें रवि स्टोर कर दिया हमने, ठीक है। तो ये और इसको अपन बोल सकते हैं, ये इसमें हम इक्वल्स का निशान नहीं लगाया, ये लगा दिया, ठीक है। दोस्तों और इसको हम बोलेंगे स्नैक केस स्टाइल, ये हमने कमेंट की है, तो कमेंट से पहले अपन क्या लगाएंगे हैश। अब ये इसमें प्रोग्राम में काउंट नहीं होगी। और इसमें कोई हमने वैल्यू स्टोर करा दी हरीश, ठीक है, तो इसको इसमें स्टोर करा दिया और हैश लगाकर इसमें लिख दी कैमल केस स्टाइल, कैमल केस स्टाइल, ठीक है। इस यूजर ये दिस मेनली अपने को स्नैक केस स्टाइल बहुत ज़्यादा यूज में लेते हैं, देखना अधिकतर आप जब प्रोग्रामिंग देखोगे तो स्नैक केस स्टाइल इस टाइप के वेरिएबल को यूज़ में लिया जाता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम कुछ रूल्स हैं वेरिएबल्स के लिए, वो मैं रूल्स आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि जो वेरिएबल्स है, जैसे कि हमने यूज़र है या नेम इक्वल्स टू 1 2 3 है, एज इक्वल्स टू 1 5 है, या फिर किसी की एज 25 है, ओके ये ले लिया। इसमें क्या है कि पहला जो अपना वेरिएबल्स का पहला जो कैपिटल लेटर होता है, जो पहला लेटर होता है वो ओनली लेटर ही होना चाहिए, कोई नंबर नहीं होना चाहिए। पहला
पहला जो वर्ड है या यू है इसमें, एन है, ए है, ये लेटर ही हो। तो वेरिएबल हमेशा स्टार्ट विद लेटर ओनली, इस कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर या कोई एनली स्पेशल करेक्टर। कोई स्पेशल करेक्टर के साथ ही हम यूज नहीं ले सकते, जैसे कि वन नेम इक्वल्स टू 1 2 3, ये गलत है, ये हम स्टार्ट नहीं कर सकते। और जैसे कि कोई स्पेशल करेक्टर यूज़ में ले लिया, एट द रेट या डॉलर लगा के NAME, ये भी रॉन्ग है, इस तरह से भी हम नहीं कर सकते हैं, ये दोनों गलत हैं। इस तरह से हम वेरिएबल नहीं क्रिएट कर सकते, इस तरह ओनली लेटर से ही स्टार्ट होना चाहिए। हाँ, हम इस तरह से जरूर कर सकते हैं, ये जो स्पेशल करेक्टर हैं दोस्तों, इसको तो हम कहीं भी यूज़ में नहीं ले सकते वेरिएबल के नाम के अंदर। हाँ, अपन ऐसा जरूर कर सकते हैं, जैसे कि ये वन है, वन अपने को लगाना है, तो हम बाद में वन लगा सकते हैं, नेम वन, इस तरह से। जैसे कि हमने यूज़र नेम वन किया, बाद में वन लगा सकते हैं, बट स्टार्टिंग में वन नहीं यूज़ कर सकते। और स्पेशल करेक्टर तो हम कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते इसमें। और एक केस सेंसिटिव है, वो मैं स्टार्टिंग बता दिया था, कैपिटल एन है तो कैपिटल एन वाला नेम ही जैसे यूज़ करें, जिस जो भी नाम है जिस तरह से भी, ठीक है दोस्तों। और स्नेक केस स्टाइल और कैमल केस स्टाइल, मैंने दोनों टाइप आपको जिस तरह वेरिएबल का नाम, ये भी मैंने बता ही दिया है।